नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत न्यूज ब्यूरो मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बेगूसराय जिले के मंझोल बस स्टैंड में बस मालिकों के मनमानी से नाराज टेम्पो चालक संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। आज मंझोल में टेम्पो चालकों ने एक बैठक की और बस मालिकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टेम्पो चालकों का आरोप है कि बस मालिकों के द्वारा मंझोल बस स्टैंड में लगाने के दौरान अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है और जब इसकी शिकायत की गई तो उल्टे टेम्पो चालकों पर बस मालिकों ने मुकदमा दर्ज कर दिया। बस स्टैंड में जमीन अतिक्रमण किया गया है, लेकिन न तो पुलिस प्रशासन और न ही बस मालिक इस ओर ध्यान देते हैं। उल्टे टेम्पो चालक ही की छोटी मोटी गलती पर भी पकड़कर उसे जुर्माना वसूला जाता है। बस स्टैंड में टेम्पो चालकों को सवारी को भी बैठाने नहीं दी जा रही है। अगर यही स्थिति रही टेम्पो चालक हुक्मरानी के कगार पर पहुँच जाएंगे। टेम्पो चालक कर्ज लेकर टेम्पो की खरीदारी कर ऐसी स्थिति में उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन और बस मालिकों ने ध्यान नहीं दिया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपके साथ पसिंजर चलाने के वजह से उतारने के लिए मतलब मारा। कौन मारे? अनिल। कौन है अनिल? बस मालिक। बस मालिक कहाँ पे? बस मालिक मंझोल। क्यों मारा, क्या कारण था मारा? पसिंजर हमारा गाड़ी आएगा, तुम लोग ने चला मतलब चला दो, तो इसीलिए आपके साथ मारपीट की? हाँ। कहाँ इसका? बचाया कौन? फिर जब हुआ था तब आपको किसने बचाया? गाड़ी वाला सब आया, टेम्पो वाले सब, हम लोग से सब वहाँ पे खड़े थे, हम भी आए वहाँ पे, उसको उठा के ले गए कोरिया में, वहाँ छोटा मोटा डॉक्टर दिखाए, फिर यहाँ दो डॉक्टर दिखाए पुलिस स्टेशन। थाना में आवेदन दिए हैं ऐसा कुछ? नहीं गए। थाना में क्यों नहीं दिया आवेदन? डर के मारे नहीं दिए, हम लोग का सपोर्ट नहीं रखते हैं, वो लोग बड़े आदमी, हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है, हम लोग नहीं गए। कितने दिन पहले घटना हुई? चार दिन हुआ। चार दिन? तो ये मुझे, क्या नाम हुआ आपका? रविंदर। रविंदर कुमार। पेशर? नौलखा। घर कहाँ पे? नौलखा। नौलखा। पिताजी का नाम? राम आश्रम। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।